2016 में भी पास करने का केंद्र सरकार ने स्टेप लिया था, उस वक्त भी पास नहीं हुआ, ये कैंसिल हुआ। अभी फिर से लोकसभा राज्यसभा में फिर से ये सीएबी बिल ला रहा है। अभी ये जो गवर्नमेंट है, अभी भारत सरकार जो गवर्नमेंट है, ये सीएबी बिल को जो अभी पास करने का कोशिश कर रहा है, ये बिल अगर पास हुआ तो हमारा इंडिजिनस पीपल्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिजिनस पीपल्स जो है त्रिपुरा और खास करके हमारे त्रिपुरा में बहुत ही खतरा है। अभी जो इलीगल माइग्रेंट्स है पूरी त्रिपुरा में, इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ पे रहने का अधिकार भारत सरकार का, ये रहने के लिए जो बिल को पास करने की कोशिश किया, ये बिल हम कभी भी पास करने नहीं देंगे, क्योंकि ये बिल को हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये सीएबी बिल को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, वो स्ट्रॉन्गली अपोज सीएबी बिल। तो हमारा पूरी नॉर्थ ईस्ट में है, सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट में ही सीएबी बिल की अगेंस्ट है। ये सीएबी बिल हमारे लिए बहुत खतरा है। तो त्रिपुरा में अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम है कि इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे बहुत सालों से रह रहा है, तो इलीगल माइग्रेंट्स को पहले आइडेंटिफाइड करके यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया से यहाँ से आइडेंटिफाइड करके उसको बाहर, उसका जो जहाँ से आया वहाँ पर उसको फिर से उसको यहाँ से ले जाए, यहाँ पे यहाँ से उसको रिटर्न करें। तो हम चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स जो भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रह रहे हैं, खास करके त्रिपुरा में रह रहे हैं, बहुत लाखों आदमी यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स त्रिपुरा में रह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को यहाँ से हटाए, उसके बाद में से भी आप लोन लागू कर रहे हैं तो लागू कीजिए। पहली एनआरसी है, हमारा मांग जो है एनआरसी है, एनआरसी मांगे है। अभी होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा है कि सीएबी पहले लागू करेगा, उसके बाद में एनआरसी है। ये पहली बार उसने जब वादा किया है कि एनआरसी लागू करेगा, सारा देश में लागू करेगा, फिर अभी बोलते हैं कि सीएबी पहले लागू करेगा उसके बाद में एनआरसी है। हम ये नहीं मानने वाले हैं। हमारा त्रिपुरा की जो इंडिजिनस पीपल्स जो है, खास करके इंडिजिनस पीपल्स के लिए बहुत खतरा है ये बिल। हम लोग इसलिए आज का 11 आवर्स 6 to 5 o'clock तक, आज 9 December 2019 है, आज हमारा ये रूट ब्लॉकेट आज चलेगा।